दोस्तों में फराज मलिक हम इंसानों के सामने रोजाना कुछ ना कुछ नई से नई मुसीबतें आती ही जा रही हैं और इसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम इंसान ही हैं अभी कोरोना से ठीक से उभरे भी नहीं थी दुनिया अब मंकी पॉक्स आ गया और इस मंकी पॉक्स को डब्ल्यू एच ओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया है जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मचना शुरू हो गया है कि कोरोना के बाद अब एक और नई जानलेवा बीमारी दुनिया में फैलना शुरू हो गई है तकरीबन सत्तर देशों में सोलह हजार मरीज भी इसके सामने आ चुके हैं मंकी पॉक्स हमारे देश में भी आ चुका है मंकी पॉक्स के मरीज हमारे देश में भी मिल चुके हैं केरल के अंदर तीन मरीज मिले हैं ये तीनों मरीज बाहर से आए थे इसके अलावा अभी अभी ये खबर आई है कि दिल्ली के अंदर भी एक मरीज मिला है मंकी पॉक्स का हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था उसको भी मंकी पॉक्स की पुष्टि की गई है डब्ल्यू वाले इन चाचा को तो आप लोग जानते ही होंगे कोरोना के टाइम में आपने इनका चेहरा बहुत ज़्यादा देखा होगा इन्होंने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है अब इसके बाद हर देश का सतर्कता बढ़ा देगा हर देश मंकी पॉक्स को लेकर अब अलर्ट हो जाएगा क्या है ये मंकी पॉक्स कहाँ से आया है पहली बार इसका मरीज कब सामने आया था आइए इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं मंकी पॉक्स जो है वो एक तरीके का चिकन पॉक्स की तरह ही होता है जिसको चेचक भी कहते हैं चेचक थोड़ी बड़ी होती है लेकिन मंकी पॉक्स जब होता है तो छोटे छोटे दाने निकलते हैं और सबसे पहले मंकी पॉक्स उन्नीस में दिखाई दिया था उन्नीस में बंदर के अंदर मंकी पॉक्स वायरस मिला था जिसके बाद इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया और 1970 में कॉनगिरओ का एक बच्चा था उसके अंदर सबसे पहले इस वायरस को देखा गया सीडीसी के माने तो इंसानों और जानवरों दोनों में मंकी पॉक्स पाया जाता है और अगर आप इनके संपर्क में आ जाते हैं कोई अगर शख्स मंकी पॉक्स का मरीज है या फिर जानवर है इससे संक्रमित और आप उसके संपर्क में आ जाते हैं उससे जो फ्लूड निकलता है अगर आपके वो लग जाता है तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं खासकर चूहों गिलहरियों और बंदरों के द्वारा ये ज़्यादा फैलता है तो अगर आपके घर में भी चूहे आते हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें चूहे घुस जाते हैं आपके खाने में भी मुंह डाल देते हैं आपको पता ही नहीं चलता है तो चूहों का ध्यान रखें और गिलहरियां भी आजकल बहुत आती हैं घरों में चूहों गिलहरियों और बंदरों से मंकी पॉक्स ज़्यादा फैलता है भारत के अंदर चार मरीजों की पुष्टि हो चुकी है पूरी दुनिया में सोलह मरीज़ आ चुके हैं डब्ल्यू एच ओ ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित इसलिए किया है क्योंकि डब्ल्यू एच ओ को लगता है कि ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है ये पूरी दुनिया में फैल सकती है इसलिए सभी देशों को सतर्क रहना चाहिए अलर्ट रहना चाहिए जिसके चलते हुए भारत के अंदर भी एयरपोर्ट पर थोड़ी सी सतर्कता बढ़ा दी गई है कोरोना भी हमारे देश के अंदर बाहर से ही आया था और केरल के अंदर जो तीन मरीज़ मिले हैं वो लोग भी बाहर से आए थे उनके अंदर मंकी पॉक्स पाया गया दिल्ली से अभी अभी ख़बर आई है वहाँ पर भी एक शख्स की पुष्टि हुई है लेकिन वो बाहर नहीं गया था वो अपने देश में ही था हॉस्पिटल में एडमिट था उसके अंदर भी मंकी पॉक्स पाया गया है फिलहाल रोजाना कुछ ना कुछ मुसीबत इंसानों के सामने आती रहती है और इसके जिम्मेदार हम अपने आप को ही माने तो ज़्यादा बेहतर है इसलिए तोहबा करते रहें दुआ करते रहें और जितना ज़्यादा हो सके अच्छे काम करें गलत काम से बचें क्योंकि भाई मौत का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए